सुप्रभात ज्ञानदायिनी माँ शारदे, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठी भैया बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कशिश पांडे है और मैं कक्षा एकादश अ की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। यदि देश हित मरना पड़े मुझको हजारों बार भी, यदि देश हित मरना पड़े मुझको हजारों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश, भारत वर्ष में सत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देश उपकारक कर्म हो। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। आज हम सभी भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए गर्व का दिन है। आज अगर हम लोग आजादी की सांस ले रहे हैं, तो वह केवल और केवल उन वीर और वीरांगनाओं की वजह से है, जिन्होंने हमें आजादी की भेंट देने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन्होंने अपना सर्वस्व माँ भारती के चरणों में न्योछावर कर दिया। और अगर आज यह आजादी बरकरार है, तो वह केवल और केवल उन जवानों व शहीदों की वजह से, जिन्होंने सरहद पर गोली खाकर हमारी हिफाजत की है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब अर्थी गई होगी उसकी, तो उसकी माँ कितना रोई होगी, कि जब अर्थी गई होगी उसकी तो उसकी माँ कितना रोई होगी, और ये तो बस मैं जानती हूँ कि उसको लगने से पहले भी वो गोली कितना रोई होगी। एक अंधा जब सरहद पार लड़ने जा रहा था, तो उसकी माँ ने बोला, बेटा मत जा। बेटे ने बोला, माँ कुछ नहीं तो कम से कम दुश्मन की एक गोली तो कम होगी। हमें आजादी दिलाने के लिए न जाने कितने ही लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन आज इसी आजादी के सही मायने हम भूल चुके हैं। आज हमने अपनी स्वार्थ सिद्धि को ही आजादी मान लिया है। हमारी आजादी का असली मतलब तो शारीरिक, मानसिक व आर्थिक तौर से तृप्त होना था। आज हमारे पास राफेल तो है, लेकिन गरीब के घर में राशन नहीं। आज हमारे पास तकनीक तो है, लेकिन पर्यावरण में शुद्धता नहीं। आज समस्या हर बात से है हमें, लेकिन समाधान बताने वाली जबान नहीं। अफसोस तो इस बात का है कि हम हर वर्ष रावण के पुतले को जलाते हैं, लेकिन अपने अंदर के रावण से ही हार जाते हैं। हमारी भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इसे पूर्णतः विकसित करना हम भारतवासियों का जिम्मा है। इसलिए अगर अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, तो उसके लिए हम भारतवासियों का योगदान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि देश तो देशवासियों से मिलकर बनता है। आज हम लोग ये प्रण ले सकते हैं कि हम किसी भी गलत कार्य का हिस्सा नहीं बनेंगे। जितना हो सकता है हम लोगों की मदद करेंगे। ये सुनिश्चित करना भी हमारा ही काम है कि गांव या शहर की कोई बेटी अगर अखबार की सुर्खियों में आए, तो वे केवल और केवल अपना नाम रोशन करने के लिए, ना कि सिसकने के लिए। कल्पना चावला व रानी लक्ष्मीबाई के रूप में भी मेरा यही कहना है कि पिया है जब भी पानी तो पत्थर को तोड़कर पिया है, कि पिया है जब भी पानी तो पत्थर को तोड़कर पिया है, ऐ समंदर तेरा हम पर जरा भी एहसान नहीं। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों पर तिरंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावण उत्कल बंग है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है, और मैं उस भारत से आती हूँ जो समंदर पार रह रहे परदेशियों को भी भैया बहनों कहकर बुलाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश व कर्म योग सिखाया। मैं उस भारत से आती हूँ जो सदैव वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया। मेरा भारत तो वो नीलकंठ है जिसने स्वयं विष पीकर लोगों को अमृत दान दिया। मैं उस भारत से आती हूँ जो कर्मण्येवाधि का रस्ते गाता है, और तीनों लोगों का स्वामी होकर भी वो माखन चुराता है। मैं राम के भारत से आती हूँ जहाँ पर बेटा पिता की एक बात पर सिंहासन छोड़कर वनवासी बन जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जो औरत के स्वाभिमान के लिए जाना जाता है, जहाँ पर एक कुवारी माँ को माँ सती कुंती तथा 5 पतियों की बीवी को देवी द्रौपदी कहा जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जो आकाश सा बलवान और धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक और अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन अगर स्त्री का अनादर हो जाए तो बच्चा बच्चा हनुमान है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया तो हमने 100 कौरवों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माता का हरण किया तो हमने राक्षस लोक की लंका लगा दी। मैं उस भारत से आती हूँ जो न कभी रुका है, न कभी झुका है और न कभी डरा है। मेरा भारत वीरता की वसुंधरा है।
आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।